नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। भवानी मंडी के कृषि उपज मंडी में भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही देखने को नजर आएगी। समर्थन मूल्य गेहूं की खरीदी को लेकर किसान हो रहे परेशान। ऐसे में 15 दिनों से किसानों का माल नहीं तुल पा रहा है। जब भारत खाद्य निगम के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बादान की कमी बताते हुए पल्ला झाड़ दिया। वहीं आज मौके पर क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल पहुंचे तो वहां के हालात देखकर उन्होंने जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा से दूरभाष से बात की। वहीं देर शाम को बारिश के चलते गेहूं गीले हो चुके थे। कौन जिम्मेदार है ये देखने वाली बात होगी। डग विधायक कालूराम मेघवाल, राजकुमार गुप्ता, समीर खान, अनुराग मोदी, ऋषभ सरंगी, संदीप प्रजापति आदि कार्यकर्ता रहे मौजूद। 10-12 दिन हो गए। तुलाई नहीं हो रही है। क्या कारण बता रहे हैं? वाले कट्टे नहीं दे रहे, कट्टे नहीं आएंगे। तो जब तक आप यहीं रोगे क्या करें? अब जब तक माल यहीं पड़ा है। इसका समस्या कृषि मंडी देर शाम को बता रहे हैं, किस तरह की मतलब व्यवस्था की जा रही है कृषि उपज मंडी से भारतीय खाद्य निगम से, क्योंकि गेहूँ जो है वो पूरे गीले हो चुके हैं। इस महीने में लगातार मेरे किसानों के फोन आ रहे हैं कि हजारों फोन किसानों के आए कि हमारा माल नहीं तुल रहा। इस महीने में लगभग करीब 5-7 दिन माल तुला था, पूरे महीने में माल नहीं तुला और 16 तारीख से यहाँ माल नहीं तुल रहा है। किसान कई दिनों से अपना माल लेके यहाँ कृषि उपज मंडी में खड़े हैं, बाकी माल नहीं तुलने के कारण, बारिश आने के कारण सारा माल ढेर जो सारा खराब हो गए हैं। गेहूँ आप देख रहे हैं, सारा गेहूँ खराब हो गया। मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात करी है, मैंने ADM साहब से बात करी, मैंने CEO साहब से बात करी और मुजावत साहब से बात करी, मैंने सभी अधिकारियों से बात करी है, कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी से बात करी। उनने बताया है अभी के कल 4,000-5,000 कट्टे आने का है, तो ये कट्टे आने के बाद ये गेहूँ तुल जाएगा। बाकी सरकार ने अभी गेहूँ लेना बंद कर दिया। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि आपने कहा था कि 30 तारीख तक हम किसानों को मान तोलेंगे, आज तारीख 24 तारीख है, आज 25 तारीख है, अभी 5 दिन बाकी है। मैं चाहता हूँ कि 15 दिन और बढ़ाए और किसानों का जितना भी माल है तुले। यह माल किसान अति परेशान हो चुका है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, कृषि मंत्री जी से बात करना चाह रहा था, मैं अभी फ़ोन नहीं लगा, मैं कृषि मंत्री से बात करूँगा और मैं मांग करूँ कि 15 दिन और किसान का टाइम बढ़े ताकि बचे हुए किसानों का माल तुल सके और जो माल ये पड़ा है इसका माल। सुनील में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष गोविंद धाकड़ व मंडल अध्यक्ष अशोक दुबे की अगुवाई में आपातकाल के सत्याग्रही पूर्व विधायक बालचंद आर्यवीर का स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आर्यवीर का उनके निवास स्थान पर पहुंचकर स्वागत किया, उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बालचंद आर्यवीर ने आपातकाल के स्मरण सुनाते हुए बताया कि कैसे एक परिवार की सत्ता बचाए रखने के लिए देश में 25 जून 1975 को आपातकाल थोपा गया और अनेक सत्याग्रहियों को 21 महीने तक जेल में कठोर यातनाएँ दी गई। आर्यवीर का स्वागत करने वालों में मंडल महामंत्री योगेश जोशी, प्रेम पालीवाल, युवा मोर्चा जिला मंत्री दीपक गुप्ता, बाल कृष्ण दुबे, बबलू शर्मा, विनोद नागर सहित कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार द्वारा करावन में मिनी फूड पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है। करीब 3 माह से प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के समुचित प्रयास से करावन में फूड पार्क खुल सकेगा। सरपंच बालू सिंह ने बताया कि क्षेत्र में सभी ग्रामीणों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता करावन ने मिलकर करावन में फूड पार्क की स्थापना के लिए प्रयास किए गए थे। राज्य सरकार ने करावन में फूड पार्क को मंजूरी दे दी है। करावन में पूर्व में राज्य सरकार ने गौण कृषि उपज मंडी में पूर्व में स्वीकृति हुई थी, अब करावन एग्रो बिजनेस के लिए नया हब बनेगा। यहां पर कृषि से संबंधित व्यवसाय के लिए क्षेत्र के उद्यमियों को आगे आने का अवसर मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। क्षेत्र के किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिल सकेगा, यह क्षेत्र के लिए एक सौगात है। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपारेल व भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र कोलाना में टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर लाभार्थियों से टीकाकरण के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि टीका पूर्णतः सुरक्षित और COVID-19 वायरस से लड़ने में कारगर साबित है। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार ग्रामीणों का विशेष रूप से टीकाकरण करने के लिए जिले की पंचायत समिति झालरापाटन व पकानी की कुल 55 ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर पर टीकाकरण केंद्र बनाकर टीके लगाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति उत्साह नजर देखने को नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि टीके को लगाने से कोरोना से बचाव के लिए शरीर को सुरक्षा कवच मिलता है। टीके के दोनों डोज लगने पर ही शरीर में कोरोना से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी। यह टीका पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में फैल रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के पश्चात भी कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़भाड़ से दूर रहें और हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस दौरान उपखंड अधिकारी असनावर रतनलाल योगी उपस्थित रहे। कनवास ग्राम ब्रजलिया के निवासी प्रभुलाल व घासीलाल बैरवा निवास कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपने खेत का रास्ता खसरा नंबर 293 की मेड़ से होकर निकलता है, जिससे कई काश्तकार अपने खेतों की हकाई जुताई के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन गत वर्ष धनराज व बाबूलाल पुत्र छितरलाल का काछी ने मार्ग अवरुद्ध कर रास्ता बंद कर दिया था, जिसके कारण प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारों को खेत में आने जाने में समस्या हो रही थी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तुरंत सुनवाई करते हुए अब प्रार्थीगण को न्यायालय में बुलाया गया। वह प्रार्थीगण की शिकायतें सुनते हुए समझाइश की गई। इस प्रकार से विवाद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आपको उल्टे न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जिससे आपका समय भी बर्बाद होगा और बल्कि आर्थिक व मानसिक रूप से भी परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी सहमति व पड़ोसी काश्तकार के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए पुरानी बातों को भूल जाएँ और इस विवाद को आपसी सहमति से खत्म करें। कनवास सरपंच ग्राम पंचायत झालरी के उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम खेड़ी में गंदे पानी के निकास हेतु रोड के सहारे कच्चा नाला बना हुआ। इस नाले से गांव के पानी का निकास होता है, किंतु कुछ ग्रामीणों द्वारा इस नाले के बहाव को मिट्टी डालकर बंद कर दिया है, जिसके कारण सारा गंदा पानी गांव में ही भर गया। आसपास के खेतों में भी पानी भर जाता है। अतिक्रमियों को ग्राम पंचायत द्वारा भी नोटिस जारी किया जा चुका है, किंतु इनके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया। प्रार्थना पर जांच व कार्यवाही हेतु एसडीएम राजेश डागा ने तहसीलदार व पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर कनवा तहसीलदार सुरेंद्र कुमार शर्मा ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। मौके पर एसडीएम राजेश डागा ने भी स्वयं जाकर अतिक्रमण की कार्रवाई कर विशेष निगरानी रखी व अतिक्रमण हटवाकर नाले की निकासी करवाई गई। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 7568060310 8058766999 8003950705। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है राशन कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य थे उन सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, मोबाइल नंबर, सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें। चक्की चल रही कभी बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे आ नूर दे चा।
अपना साहेब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा रे है मामला अब ना